इमरान ताहिर की शानदार गेंदबाजी के सहारे चेन्नई सुपर किंग ने यहां ईडन गार्डन्स मैदान पर जारी इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के मैच में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट पर 161 रन पर रोक दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता को ओपनर सुनील नारायण और क्रिस लिन ने पहले विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी दी। लिन ने नीतीश राणा के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 41 रन जोड़े। नीतीश टीम के 79 और उथप्पा टीम के 80 के स्कोर पर आउट हुए। कोलकाता ने इनके बाद 122 के स्कोर पर लिन को भी विकेट गवा दिया। लिन ने 51 गेंदों पर 7 चौके और 6 छक्के लगाए। लिन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसेल कुछ खास नहीं कर सके और 4 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाकर आउट हो गए। रसेल का इस सीजन में अब तक का यह न्यूनतम स्कोर है। रसेल के आउट होने के बाद कोलकाता की टीम अंतिम 3 ओवर में केवल 19 रन ही जुटा पाई और 3 विकेट भी गवा दी। टीम के बल्लेबाज अंतिम 4 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए, जिस कारण टीम 8 विकेट पर 161 रन तक ही पहुंच सकी। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 18 और शुभम गिल ने 20 गेंदों पर 15 रन बनाए। पीयूष चावला 4 रन बनाकर नाबाद लौटे। चेन्नई की ओर से ताहिर के 4 विकेटों के अलावा शार्दुल ठाकुर ने 18 रन पर 2 विकेट और मिशेल सेटनर ने 30 रन पर 1 विकेट लिया। IPL 2019 में कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।